ऊर्जा मंत्री पारस जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पे आपकी प्रतिक्रिया। राज्यपाल का अभिभाषण बजट जब मैंने आज सुना है भाषण, 143 काम है और कम 47 पेज का था। लोग ये कह रहे हैं कि क्या, तो सरकार की जब उपलब्धियाँ ज़्यादा होती है तो ज़्यादा बड़ा राज्यपाल का अभिभाषण होता है। जो सरकार ने किया है वो सब उन्होंने बताया है और सरकार जो आगे करने वाली है उसके बारे में जानकारी दी, तो लोग इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि जितना जो जानकारी मध्य प्रदेश की पूरी आई है, यदि जितने काम हुए उसका पूरी डिटेल है उसके अंदर। 24 घंटे सरप्लस बिजली का भी उसमें जिक्र किया गया है। 24 घंटे हम बिजली दे ही रहे हैं और खेत के लिए 10 घंटे दे रहे हैं। कांग्रेस को इस पर आपत्ति, बोले कि झूठ बोला जा रहा है। कांग्रेस के एक व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैं उनकी बात का जवाब मैंने उस टाइम भी दिया था बैठे बैठे, जो नहीं देना चाहिए, अभी फिर देना चाहता हूँ कि 13 साल पहले कांग्रेस के उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि 8 बजे बाद अपनी दुकान बंद कर लो और एक लट्टू जलाओ, और आज मध्य प्रदेश के मुखिया और हम 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पारस जैन जी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर यहाँ पर पारस जैन जी नजर आ रहे हैं और साफ कह दिया है कि कांग्रेस जो भी आरोप लगा रही है वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।